नमस्कार दोस्तों, एन के फंक्शन में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सोफा कम बेड। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हमेशा की तरह कुछ नया बताते हैं, बस लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी 18 mm प्लाई है इसकी एक धार बॉटम में सीधी काट लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने एक धार को सीधा कर लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं, 12 इंची के हमें पीस चाहिए तो हमने 11 इंची पर निशान लगा लिया है और वापस से इस पर बॉटम रख के इस तरीके से हम 4 पीस काट लेते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप एक अच्छी तरीके से सोफ़ा कम बेड बनाना सीख जाओगे। और इसमें हमने क्या क्या नाप रखा है, क्या क्या साइज़ रखी है, सारी जानकारी देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो कुछ इस तरीके से हमने 3 पट्टे काट लिए हैं और एक पट्टा जो लास्ट वाला है इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने 4 पीस को कट कर लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं, साइड से 6 इंची का हैंडल आएगा उसका नाप छोड़ देते हैं और वापस से इस दीवार से टच करके और जो अपना नाप आता है, तो जैसे कि इसकी लेंथ आ रही है 58.5 इंची, तो हम क्या करने वाले हैं, एक 58.5 इंची का सोफ़ा बना लेते हैं। तो एक धार को हम गुनिया से पकड़ कर कट कर लेते हैं। अब 2 पीस हम दोस्तों काटने वाले हैं 58.5 इंची के, तो हमने 59.5 पे निशान लगा लिया था। कुछ इस तरीके से हम 2 पीस को कट कर लेते हैं, जैसे कि हमने कट कर लिए हैं और यहाँ से इसको टच कर देते हैं। तो ये 6 इंची की जो जगह बच रही है वो हैंडल की है और इसकी जो चौड़ाई रखने वाले हैं हम 30 इंची। तो अब हम क्या करेंगे, 28.5 इंची के 3 पीस और काट लेते हैं। तो जैसे कि ये 30 इंची है, इसमें से हम 1.5 इंची माइनस कर देंगे तो 28.5 हो गया। तो कुछ इस तरीके से 28.5 का पीस चाहिएगा, तो उसको अभी अपन गुनिया से पकड़ कर अच्छी तरीके से कटर मशीन से काट लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमको 3 पीस और काटने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने पूरा माल काट लिया था, अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले पट्टे हैं इसके फेविकोल को लगा देते हैं और जो अपने 58.5 इंची के पीस हैं उसको ऊपर से कीलियों की मदद से ठोक देते हैं। तो एक साइड का हमने ठोक दिया था, इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाला भी एक ऊपर से पीस लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक साइड के हमारे दोनों पीस लग चुके हैं, अब इसको उल्टा कर लेते हैं और वापस से जो अपना एक पीस और है इसको भी इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। और एक इसके सेंटर में भी पीस डाल देते हैं ताकि जो अपनी प्लाई रहती है वो मजबूत हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका एक ढांचा ठोक लिया है और हम क्या करने वाले हैं, इसके अच्छी तरीके से फेविकोल लगा कर और इसके ऊपर से एक 16 mm प्लाई को इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। तो इसको भी कीलियों में ठोक देंगे अच्छी तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमने एक पीस को तैयार कर लिया है। अब क्या करने वाले हैं, हमारा जो एक लंबा वाला पीस बनना है तो इसकी हम हाइट रखने वाले हैं 7 फिट सॉरी, तो यहाँ पे 83 इंची पे लगा कर और ये 84 इंची कट जाएगा। तो इसको भी गुनिया से पकड़ लेंगे और वापस से इसको कटर मशीन से इसको कट कर लेते हैं। और दोस्तों अब इसके लिए 3 पीस हमको 28.5 इंची के और चाहिए, तो ये भी हम 27.5 इंची पर निशान लगा कर इन 3 पीस की और कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो अपना 7 फिट का पीस है इस पे एक हम 4.5 फिट पे एक निशान कर लेते हैं और उसके सेंटर में एक पाटिया लगा देंगे। तो हम पहले साइड वाले दोनों पाटियों को ठोक लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों पार्टियों को लगभग ठोक लिया है और 4.5 फिट पे हमने इसलिए रखा है क्योंकि 2 फिट पे उसकी गद्दी आ जाएगी और 4.5 फिट की ये हो जाएगी। तो अपनी जो गद्दे और सोफ़ा कम बेड की हाइट है उसकी हाइट जो है वो 6.5 फिट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने एक सेंटर में पार्टियाँ डाल दिया है और इसको उल्टा कर लेंगे और जो अपनी इधर वाली जो टांग बच रही है दोनों छोटी छोटी वाली, इसके टॉप पर भी एक 18 mm प्लाई को ठोक देते हैं। तो इसके भी हम कीलियों से ठोकने वाले हैं। 14 नंबर 2 इंची कीली है इसके अंदर मार दी है, तो दोनों तरफ से इसको हमने कीलियों से फिक्स कर दिया है। अब दोस्तों हमने क्या किया, जो 3 18 mm प्लाई को जॉइंट कर लिया है आपस में और इसकी जो मोटाई रखी है 2.25 x 2.25 रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे की तरफ जहाँ पर अपना नाप आ रहा है उसको वहाँ पे रख के देख लेते हैं और इसके अच्छी तरीके से फेविकोल लगा कर इसको भी सामने की तरफ एक सपोर्ट के लिए ठोक देते हैं।
तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें दो क्लियर बना दिए हैं और इसके अंदर एक लगाने वाले हैं 3 इंची का पेज, ताकि जो अपना सपोर्ट है वो अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको दोनों तरफ से कीलियों की मदद से ठोक दिया है और एक सेंटर में भी हमने इसी साइज़ का एक सेल्प और डाल दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसका ऊपर का जो टॉप है इसकी जो चौड़ाई आ रही है 30 इंची और हाइट में है ये 7 फीट, तो हम कुछ इस तरीके से इसका भी एक टॉप निकाल लेते हैं। तो ये टॉप हमने कट कर लिया है, चौड़ाई में कट कर लिया था, अब इसकी हाइट में भी इसको कट कर लेते हैं और इसके भी अच्छी तरीके से फेविकोल लगा कर और इसको भी कीलियों की मदद से इसके ऊपर से फिक्स कर देते हैं। तो इसके ऊपर हम 14 नंबर 7 इंची कील ठोक देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। तो ये लगभग हमारे दोनों पीस बनकर तैयार हो चुके हैं और अब हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर एक पाया बनाने वाले हैं। तो इसकी लेंथ रखी हमने 18.5 इंची और चौड़ाई में रखा है इसको हमने 6 इंची। नीचे की तरफ से हम एक 6 इंची पे निशान लगा लेते हैं और ऊपर से 2.5 इंची पे एक निशान लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने निशान कर लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, सीधी पट्टी से इन दोनों निशान पे बॉटम को पकड़ के और पेन से निशान कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये निशान कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, कटर मशीन की मदद से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर लेते हैं। और हमारा जो एक पाया कट के तैयार हो चुका है उसको दूसरे पीस के ऊपर रख लेंगे और पेन से वापस से निशान कर लेते हैं। तो ये साइड वाला भी निशान हमने कर लिया है और जो ऊपर वाला भी निशान कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लगभग 6-7 पीस हमने पाए के काट रखे हैं। तो ये कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लगभग हमारे 6-7 पीस हैं। तो हमने इसको कुछ तरीके से कट कर लिया था और अब हम क्या करेंगे, ऊपर से जो 2.5 इंची की पट्टी इसके ऊपर से लगा देते हैं दोनों साइड से। और अब हमने इसको उल्टा कर लिया है और हमने क्या किया है, जो 6 इंची का एक 8-16 mm का पीस है इसके ऊपर से इसको भी फिक्स कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके नीचे से 16 mm प्लाई को लगा दिया है और हमने क्या किया है, इसके 6 इंची पे एक सेंटर में एक 3 इंची का बटन और ठोक दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारे दोनों लगभग सोफे तैयार हो चुके हैं और हम क्या करने वाले हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है लगभग 14 इंची इसके ऊपर से 12 mm प्लाई को फिक्स कर देते हैं। तो फेविकोल लगा लिया था हमने अच्छी तरीके से और इसको एक कॉर्नर से सही अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे और 14 नंबर कीलियों से इसको फिक्स कर देते हैं। अब दोस्तों हमने दोनों साइड की एक सोफे की फ्रेम तैयार कर ली है और इसके भी हम क्या करेंगे, फेविकोल लगाकर एक तरफ से 12 mm को फिक्स कर देते हैं और एक तरफ 12 mm को कच्ची रखने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से इसके भी अंदर कीलियाँ गड़ा देते हैं तो ये अपना फिक्स हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, 1 इंची का वॉफर इन दोनों सोफे के नीचे की तरफ से टाइट कर देते हैं 7 इंची के पेच में, ताकि ये अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। और अब हम क्या करेंगे, दोनों सोफों को टच कर देते हैं। तो ये हमने इसको रख लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने ऊपर का तकिया बनाया था इसके भी एक 150 वाले बिट से होल कर लेते हैं और वापस से इसके अंदर हम लगाने वाले हैं 7 इंची के पेज, ताकि जो अपना पीछे का स्टैंड है वो अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। तो इसके हमने फेविकोल लगा लिया है अच्छी तरीके से। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, 32-8 का पेच आता है इसके ऊपर रख कर इस स्टैंड को और वापस से सारे पेज को टाइट कर लेते हैं, ताकि जो अपना पीछे वाला स्टैंड है वो अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके भी फ्रेम को टाइट कर लिया है इसके ऊपर। अब दोस्तों हमने एक 4 इंची के पट्टे काट रखे थे, इसकी हम नीचे वाली फ्रेम चैनल की फ्रेम तैयार कर लेते हैं और इसको हमने 3 12 mm प्लाई को जॉइंट करके बनाया है। और अगर आपके पास 18 mm प्लाई दो रहती है तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है और इसकी जो साइज़ में हमने साइड में से दोनों तरफ से 0.5 इंची छोटा बनाया है और कुछ हमारा ये पीस बाकी रह गया था, तब तक हमारे एक मिस्त्री साहब ने इसको तैयार कर लिया है। तो इसके भी फेविकोल लगा कर और इसको भी कीलियों की मदद से ठोक देते हैं। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो अपन ने फ्रेम बनाई थी इसके अपने जो 7 इंची का व्हील आता है इसको एक तरफ से लेवल करके और इसको 7 इंची के पेज से इसको भी टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने एक पीस को टाइट कर लिया था और दूसरा वाला भी टाइट कर लेते हैं। ये चारों कॉर्नर पे लगभग अगर अपन इसको छोड़ा जाए तो ये हमने लगभग साइड से छोड़ रखा है 2-2 इंची के आसपास। तो आप इसको 2-2 इंची छोड़ कर इस व्हील को टाइट
कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमने ये चारों व्हील को टाइट कर लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं, इस फ्रेम को इसके अंदर डाल के देखते हैं। तो जैसे कि इसको हम डालेंगे तो ये देखिए ये इसके अंदर से आराम से आ चुकी है और इसमें साइड में हमने इसको 1.25 इंची कम बनाया है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो चैनल है इसका जो इसमें एक बोल्ट लग रखा है इसके लिए हमें गोर्जस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, गुनिया से इस पर निशान कर लेते हैं और ऊपर से हम 700 छोड़ने वाले हैं। इसका जो नाप ले रखा है हमने 700 पे आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, एक 18 mm के बिट से इसमें होल कर लेते हैं। 300 वाले बिट से हमने होल किया था तो वो उसमें ढेबरी सही से फिट हो नहीं रही थी। तो कुछ इस तरीके से हमने अब वापस इसको चैनल को इसके ऊपर रख लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको भी 1.25 इंच के पेज से टाइट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों चैनल को इसके अंदर टाइट कर लिया है। अब दोस्तों हमने एक 2.5 इंची की पट्टी काट रखी है 12 mm की और इसके ऊपर फेविकोल लगा लेते हैं और जो अपनी फ्रेम चैनल का जो फ्रेम है वो लगभग 1.5 इंची छोटा है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको कीली से टच करके और इसका जो चैनल टाइप का एक पट्टी इसको टाइट कर देते हैं ताकि जो अपनी फ्रेम है वो इसके अंदर एकदम ईजी चल सके। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको ठोक लिया है और इसके अंदर डाल के देखते हैं। तो ये जो अपना 12 mm का पट्टा है जो नीचे के अंदर बॉक्स है उससे टच होके चल जाएगा तो ये अपनी जो क्या बोलते हैं चैनल की जो फ्रेम है वो अच्छी तरीके से इसमें काम करने लगेगी। तो हमने इसको दोनों तरफ से इसको ठोक लिया है और दोस्तों ना ये फ्रेम अपनी टाइट है और ना ही ज़्यादा लूज है जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इस जो फ्रेम बनाई थी इसको हमने टॉप काट रखा था इसके साइज़ का 18 mm प्लाई का। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर से 1.25 इंची के पेच टाइट कर देते हैं ताकि ये जो अपना टॉप है इसके ऊपर से फिक्स हो जाए। तो कुछ इस तरीके से ये फिक्स हो चुका है और अब हम इसके अंदर इसको डाल कर देखते हैं। तो देखिए ये इसके अंदर एकदम से सही तरीके से फिट हो चुकी है और अब हम क्या करने वाले हैं, इसका हमने एक 18 mm प्लाई का एक टॉप और तैयार कर लिया था तो इसको भी ये जो अपना 3 इंची का फ्रेम है वहाँ पर इसको 1.25 इंची के पेज से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने सारे पेज को ये टॉप को अपने इसके टाइट कर लिया है और जो अपने साइड में हैंडल लग रखे थे इसको यहाँ पे इसके बॉफर से मिलाकर नीचे वाले लेवल से इसको रख लेते हैं और वापस से इसमें भी एक एक कच्चा स्क्रू लगा देते हैं क्योंकि जब अपना ये फॉर्म का काम हो जाएगा तो उसके बाद इसमें नट या बोल्ट लगा देंगे ताकि ये अच्छा हैंडल अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। तो हमने अभी फ़िलहाल के लिए 2-2 पेज में लगाया है दोनों हैंडल को, तो ये वाला हैंडल भी हम 1.25 इंची के पेज से टाइट कर लेते हैं और इस पे भी एक 12 mm का जो पीस है इसको भी कच्ची किलियों से हमने अटका रखा है। तो फाइनली दोस्तों हमारा सोफ़ा कम बेड बनकर तैयार हो चुका है। जो हमारा 18 mm का प्लाई का पीस है इसको हम यहाँ से उठाएंगे और वापस से नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये अपना टॉप खुल जाएगा और जो अपना सोफे का टॉप है इससे ये टच कर देंगे तो ये दोनों चीज़ लेवल आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये तैयार हो चुका है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों हम इसको वापस से बंद कर देते हैं और देखिए इसके अंदर हम लगभग हमारा जो गैप है वो 5 इंची का है, इसके अंदर हम 4 इंची की गद्दी बड़ी आसानी से इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।